ओम शांति। 30/6/2024 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज हैं 30/3/2000। आज बाबा कहे मन को दुरुस्त रखने के लिए, मन तंदुरुस्त रहे, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। शरीर के एक्सरसाइज के लिए घंटा घंटा निकालते हैं, पार्कों में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, कितनी कितनी एक्सरसाइज करते हैं। और मन को तंदुरुस्त शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा केवल क्या कह रहे हैं, 5 सेकंड भी, घंटे घंटे में, आधा घंटे में, जितना भी टाइम मिले उतना कम। इस एक्सरसाइज से 5 स्वरूप हैं, 5 टाइम का ट्रैफिक कंट्रोल है, 1-1 घंटे के बाद शांति की शक्ति का ट्रैफिक कंट्रोल है, ये सब अनिवार्य है करना। और ये करेंगे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा। आज दूरदेशी बाप दादा अपनी साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आई हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश में आई हो तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। तो बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते हो। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की पूजा होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, और चौथा संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में ये 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो ना। सब बाबा को जवाब देना, 1, 2, 3, 4, 5, तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया, यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सत्युग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े खड़े होकर के 1, 2, 3 आदि आदि एक्सरसाइज नहीं, तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज में तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे ना, क्या करें टाइम ही नहीं मिलता। ये तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड भी एक्सरसाइज करो, हो सकती है। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है, तो याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं।
तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो। मण होते थे ना पहले, एक मण, दो मण, तीन मण, तो मन को मण बना देते हो, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाव शेर मण होता था, आजकल बदल गए हैं तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ, फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है नहीं, कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं, आप ही हो या दूसरे हैं, कितने बार फरिश्ते बने हो, अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो, अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी ये अभ्यास करना है, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग गया, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते ना, ड्यूटी तो बजानी ही है ना। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकाल सकते हो क्या? निकल सकता है, यूएनए की ऑफिस से निकल सकता है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, वो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता? बाप दादा की एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है, किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हो ना या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा कहते हैं, मालिक हैं मन के, और मास्टर सर्वशक्तिमान हैं फिर भी कहते हैं मुश्किल हैं, तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गायी हुई हैं, एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है? लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगानी तो आती है ना। दूसरी किसी भी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है, तो बाप दादा देखते हैं। कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के माफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है, जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं, कब तक ये समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हैं? आखिर भी कब तक, बोलो, जवाब आता है कब तक? तादियां सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे, वह भी कब तक? बाबा बताए, फरिश्ता बनना आपको है या बाप को?
तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अभी तैयार हो जाओ, आदि माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, जो पुराने संस्कार हैं जिसको योग बल से मिटाते नहीं, तो वही समय प्रति समय हमारे ही अपने संस्कार हमारे विघ्न बन जाते हैं, चाहे अपना संस्कार और फिर चाहे दूसरे का। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर के ये कहती तो बहुत अच्छा, ये करने की बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते तो रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई तो, और बाद में महसूस भी किया यह ना करके ये करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन जिस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें, जो दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है और ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, पुरुषार्थी उसको कहा जाता है। एक बार गलती होकर दोबारा ना हो, मामा भी हमेशा यही कहा करते थे। उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते, और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आपने सहन शक्ति की कमी है, तो ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई देती है, तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है, मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं, तो बीज तो ईर्ष्या का ही होगा ना, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो, एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होता है, फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे तो रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं
तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म, सारा किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं, उनसे दिल भर जाता है, खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा। व्यर्थ बातें, फालतू बातें दिल में हैं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा। बैठने की जगह तो है ना, हो ना, जहाँ शिव बाबा आके बैठे। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। बाप दादा तो जानते हैं कि नंबर वार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखते। लेकिन सच्ची दिल, और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सच्ची दिल बुद्धि की लाइन क्लियर, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ही नहीं, क्लीन ही नहीं, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह भी नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों को भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है। हाँ, बड़ों का भी, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या है? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहिए बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार भी नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरी बाप की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखो, देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं कर देती, तो यह भी जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए है। लास्ट टर्न है ना, लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है, बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन आना अलग चीज है, इसी नेचर उसको कहा जाता है, इजी नेचर उसको कहा जाता है, जैसा समय, जैसी शक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी करते हुए। इजी अर्थात मिलनसार, लाइट नेचर बहुत, टू मच, ऑफिशियली नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर, जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड करके, मिलनसार होकर के, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े से बड़ा पन में चल सके, छोटे से छोटे पन में चल सके, साथियों के साथी बनकर के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी गोल्ड मोल्ड कर सकें, इजी अपने आप को मोल्ड कर सकें, शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहें
मुड़ जाते हैं, और राइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, टाइट होगा। हाँ, अगर टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, विदेशियों को अच्छा चांस मिला है, सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? पांच स्वरूपों की ड्रिल बाप दादा ने कराई, तो बाप दादा पूछ रहे याद है या भूल गई? अभी अभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्र सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, फिर लास्ट में कहाँ आ जाओ? संगम युग पर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से बेहद प्यार समाचार भेजने वाले को बहुत अच्छी भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पात्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, जो बाप दादा को मिल गए हैं, जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो उन्होंने भी लिखा है। वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिला राम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे, बच्चों का प्यार का बच्चों का प्यार बाप से और सबसे दैवी गुण बाप का बच्चों में प्यार है और सदा अमर रहे। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते, न बाप अलग कर सकते हैं, ना तो बच्चे बाबा से अलग हो सकते और ना बाप ही कर सकते हैं, बाबा भी अलग नहीं हो सकते, साथ हैं और साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले सदा बाप के नैनों से, नैनों में दिल में मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, थे हैं और रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लदे बच्चों से, सिक्की लदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। आज का वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जान कर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगमयुग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है, इसलिए आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, जो भी श्रेष्ठ कर्म करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर होता जाएगा और आत्मा समर्थ बनती जाएगी। स्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अव्यक्त इशारा है, जैसी शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है,
तो खींचता है ना। तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग बड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कोई भी संस्कार आदत अपनी तरफ खींचता है वो भी कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म भोग कर्म योगी नहीं बन सकेगा। इसलिए बार बार अशरीरीपन की ड्रिल करते शरीर के भान को छोड़ते जाओ। बार बार अशरीरीपन की ड्रिल करते शरीर के भान को छोड़ते जाओ। ओम शांति।